हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद तेजल। आज हम एसक्यूएल कमांड का पहला कमांड देखने वाले हैं, दैट इज डीडीएल कमांड्स। इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर आर डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स आर देयर। सो टुडे वी स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट कमांड, दैट इज डीडीएल कमांड्स। ओके, सो DDL stands for Data Definition Language and it is used to define the database structure or the pattern. Okay, means what? DDL के अंदर हम लोग with the help of commands, Data Definition Language के अंदर with the help of commands हम लोग database का structure और pattern क्या करने वाले हैं, define करने वाले। Means what? You can create the skeleton of the database. Database का एक खाली डिब्बा हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। मीन्स व्हाट? एक टेबल है जिसके अंदर कितने कॉलम्स होने चाहिए और उस कॉलम का नाम, देयर इज नो रिकॉर्ड्स ओवर देयर। मीन्स हम लोग सिर्फ एक टेबल का, खाली टेबल क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर टेबल का नाम देंगे और कितने कॉलम्स होने चाहिए और उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हम देखने वाले हैं डीडीएल के अंदर। मीन्स स्कीमा को डिफाइन करना, एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्कीमा, टेबल, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट एक्सेट्रा इन द डेटाबेस। सो यूजिंग द डीडीएल स्टेटमेंट यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेटा डेटा, लाइक how many number of tables, schemas you want, the name of table, the indexes of table, columns in each table and constraints. तो ये आपको अगर define करना है then you go with the DDL commands. Okay, let's see the commands. So in DDL there are 6 basic commands are used. First one create, second one alter, third one drop, fourth one truncate, fifth one rename, sixth one describe. सो आज हम फर्स्ट कमांड देखेंगे इस वीडियो में, दैट इज क्रिएट कमांड। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड, दैट इज क्रिएट कमांड, एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट द न्यू टेबल इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आप लोगों को अगर न्यू टेबल क्रिएट करना है देन वी यूज द क्रिएट कमांड। ओके, सो लेट्स सी, अगर मुझे ऐसा टेबल बनाना है, ये मेरा टेबल है जिसके अंदर तीन रो होने चाहिए, तीन कॉलम होने चाहिए और तीनों कॉलम का नाम, सपोज यहाँ पे कॉलम का नाम है 1 then 2 then 3। ओके, ये मेरे कॉलम का नाम है। आप लोग ले लो यहाँ पे सपोज स्टूडेंट नाम का एक टेबल मुझे बनाना है। ओके, देन उसके अंदर तीन कॉलम्स होते हैं, दैट इज दी डेटा, सीरियल नंबर, देन उसके बाद आता है नेम ऑफ एम्प्लॉय, देन आता है आपका एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय। तो ये मुझे टेबल कैसे क्रिएट करना है, सो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड यू कैन क्रिएट दी डेटाबेस टेबल, न्यू टेबल। सो उसके लिए फर्स्ट स्टार्ट विद दी क्रिएट स्टेटमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड, दैट इज क्रिएट कीवर्ड। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, क्रिएट देन टेबल देन उस टेबल का नाम, ओके, जो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो। देन उसके बाद आएगा आपका इन ब्रैकेट पहले कॉलम का नाम एंड द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ दैट कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम देन डेटा टाइप साइज ऑफ दैट कॉमा, तीसरे कॉलम का नाम देन डेटा टाइप साइज ऑफ दैट अप टू एन नंबर ऑफ, जितने भी कॉलम्स आप लोग क्रिएट करना चाहते हो वो, देन ब्रैकेट कंप्लीट सेमी कोलन। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पर्सन्स नाम का टेबल क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूँगी, क्रिएट टेबल टेबल नेम, ओके, क्रिएट टेबल टेबल का नाम, पर्सन का मैंने नाम बोला था तो मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेबल टेबल का नाम। ओके, यहाँ पे क्रिएट और टेबल दो कीवर्ड सेम होने वाले हैं, सिर्फ टेबल का नाम जो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम चेंज होगा। देन मेरा फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ आईडी ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पर्सन आईडी, जो कि कॉलम का नाम, जो आप लोग यहाँ पे कॉलम नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज़ कॉलम का नाम। अगर पर्सन आईडी है तो यू ऑल नो आईडी मीन्स 1 2 3 पर न्यूमेरिक फॉर्म में आने वाला है, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप्स बोले थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो यहाँ पे पर्सन आईडी है, उसका डेटा टाइप है नंबर और उसकी साइज़ मैंने दी है 10 कॉमा। दूसरा जो कॉलम है वो लास्ट नेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लास्ट नेम द कॉलम नेम, और नेम है मीन्स ए बी सी डी ऐसे यूज होने वाला है, तो यहाँ पे वेर कैर 2 डेटा टाइप है, उसकी साइज़ मैंने 20 दी,
अगेन फर्स्ट नेम वायरकैर टू साइज इज 20, एड्रेस वायरकैर टू साइज इज 20, सिटी वायरकैर टू साइज इज 20, ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमी कोलन. डोंट फॉरगेट टू पुट द सेमी कोलन एट द एंड ऑफ एनी क्वेरी. ओके, सो क्रिएट कमांड का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल दैट इज कीवर्ड एंड उस टेबल का नाम जो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो, देन इन ब्रैकेट पहले कॉलम का नाम जो आप लोगों का पहला कॉलम होना चाहिए उस कॉलम का नाम दे दो, स्पेस दे दो, देन उसके बाद वो जो कॉलम है उसके अंदर कौन सा डेटा आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को डेटा टाइप देना पड़ेगा एंड साइज ऑफ डेटा टाइप कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम अगर अगेन डेटा टाइप एंड साइज कॉमा, थर्ड कॉलम का नाम डेटा टाइप एंड साइज, ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमी कॉलम. दिस इज हाउ यू क्रिएट दी टेबल. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट टेबल. लेट सी दी एग्जाम्पल. सपोज सपोज यहाँ पे देखो मुझे कमांड लिखनी है, टेबल क्रिएट करना है, कौन सा स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है. तो दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर 4 marks, दैट इज फर्स्ट कमांड क्रिएट कमांड. मतलब 4 marks के लिए 4 अलग अलग कमांड आने वाले हैं, ये जो क्रिएट कमांड है वे 1 marks के लिए आती है. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने दिया है राइट अ कमांड टू क्रिएट द टेबल. कौन सा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो, कौन सा टेबल, दैट इज द स्टूडेंट टेबल. ये टेबल वो क्या करना बोल रहे हैं, क्रिएट करो. और उसके अंदर उन्होंने क्या दिया है, रोल नंबर ये मेरा फर्स्ट कॉलम का नाम है, स्टूडेंट नेम ये मेरा सेकंड कॉलम का नाम है, थर्ड ब्रांच है, फोर्थ क्लास है एंड डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरे कॉलम्स के नाम है. ओके, तो पहले तो आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए कि रोल नंबर किस का अगर स्टोर करना है कॉलम तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है, स्टूडेंट नेम है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है. सो इसके कमांड हम लिखेंगे क्रिएट देन टेबल, ये दो कीवर्ड तो सेम रहने वाले हैं. उन्होंने कौन सा टेबल बोला था, स्टूडेंट, तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट. इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहला लेना है आपको रोल नंबर, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिया. देन डेटा टाइप फॉर दिस इज नंबर और उसकी साइज. दूसरे कॉलम का नाम लिया स्टूडेंट, उसका डेटा टाइप क्या. अगेन तीसरे कॉलम का नाम लिया मैंने ब्रांच, उसका डेटा टाइप वायरकैर. थर्ड कॉलम का नाम लिया क्लास, उसका डेटा टाइप अगेन वायरकैर. देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप है डेट. देर इज नो नीड फॉर राइट द इन ब्रैकेट द स्पेस और साइज ऑफ द डेट. ओके, देन सिटी वायरकैर टू कॉन्टैक्ट नंबर, उसका डेटा टाइप है नंबर, ब्रैकेट कंप्लीट सेमी कॉलन. दिस इज हाउ वी क्रिएट द टेबल. सेकेंड एग्जाम्पल, राइट अ कमांड टू क्रिएट दी बुक मास्टर टेबल. उन्होंने कौन सा टेबल बोला है, बुक मास्टर नाम का टेबल बोला है, तो उससे आगे लिखो क्रिएट टेबल. ओके, देन टेबल का नाम, पहले जो कॉलम है उसका नाम है बुक आईडी, तो यहाँ पे मैंने लिखा इन ब्रैकेट बुक आईडी और उसका डेटा टाइप क्या लिया है मैंने, नंबर. देन बुक नेम, उसका डेटा टाइप वायरकैर, और कैर भी ले सकते हो, वायरकैर टू भी ले सकते हो. देन ऑथर, वायरकैर टू मतलब साइज, अगर आपको ज़्यादा लंबी लेनी है तो वायरकैर टू वगैरह ले लो. ओके, देन नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर, प्राइस, नंबर, प्रिसीजन एंड दी डिसीजन, देन ब्रैकेट कंप्लीट सेमी कोलन. दिस इज हाउ वी क्रिएट दी बुक मास्टर टेबल. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ create command or syntax of create command. Thank you for watching my video. If you like this video, please go and click on like button and subscribe to my channel. Thank you.